हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। सॉल्व द लॉगरिथम इक्वेशन। तो अपन को दे रखा है लॉग 3x² + 1 माइनस का लॉग 3 + x इक्वल टू लॉग 3x और माइनस का 2। तो पहले तो अपन इसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो ये तो अपना 3x² + 1 हमेशा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे इसका डोमेन निकाले तो 3 + x अपना जो है ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखे तो x अपना ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, और यहाँ से निकाले तो यहाँ से आ रहा है 3x और माइनस का 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x अपना आ रहा है 2/3 से ग्रेटर देन 2/3 आ रहा है। तो यहाँ से देखे तो दोनों का कॉमन डोमेन आ रहा है x ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, तो अब जो है ना अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है ना अपन राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो लॉग 3x² + 1 इक्वल टू लॉग 3x - 2 और प्लस का लॉग 3 + x। तो अपन को पता है लॉग m^(a) + log n^(a) दे रखा है, तो इसको अपन लॉग mn और बेस का a हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो लॉग 3x² + 1 इक्वल टू लॉग 3x - 2 इंटू 3 + x। यहाँ से देखें तो दोनों का बेस बराबर है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अपन इक्वेट कर देते हैं, 3x² + 1 इक्वल टू 3x - 2 इंटू x + 3। यहाँ से तो सिंप्लीफाई करें तो 3x² + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 9x। तो यहाँ से प्लस का 7x बचेगा और माइनस का 6। यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो गया, और इसको अपन इधर 7x इक्वल टू इसको इस साइड भेजे तो ये 7 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ x अपना 1 के बराबर आ रहा है। अब अपन ने डोमेन क्या निकाला है, डोमेन ये निकाला है 2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो अपना x जो है ना 1 आ रहा है, ये 2/3 से बड़ा है, तो ये अपना सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो आयो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन